नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज दोस्तों बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो अपना पहला मुकाबला खेलेगी चेन्नई में 8 अक्टूबर को। दोस्तों उसके लिए दो सबसे बड़ी अपडेट है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खिलाड़ी और इंडिया की तरफ से एक खिलाड़ी अपना पहला मुकाबला नहीं खेलेगी। दोस्तों वह कौन से खिलाड़ी है उसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो मार्कस स्टोइनिस है वो अपना पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का मिस कर जाएंगे, क्योंकि उनकी इंजरी की अपडेट ऐसी है कि उनको निगल है। लेकिन दोस्तों वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी उसमें भी वो नहीं खेले थे, और दोस्तों इसके बाद वो वर्ल्ड कप की जो प्रैक्टिस मैच थी उसमें भी वो नहीं नजर आए थे, इसलिए इस बार पहला मुकाबला वो मिस कर जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से एक ओपनर है जो कि है शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो उनका हाल ही में फॉर्म अच्छा रहा है। दोस्तों वो डेंगू के चपेट में आ गए हैं, यानी कि दोस्तों डेंगू का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, इसलिए दोस्तों ये पक्का है कि इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दोस्तों शुभमन गिल की जगह पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की तरफ से ओपनिंग करता हुआ कौन नजर आएगा, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा।